नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हेलो, मैं CBI अफसर बोल रहा हूँ। तुम्हारे लड़के ने रेप किया है, बचाना चाहते हो तो रुपए खाते में भेज दो। साइबर ठगों ने शुरू की ठगी का एक नया पैंतरा। तैयारी करने गए बच्चों का किडनैपिंग और रेप के मुकदमे में फंसा देने से बचने के लिए परिवार वालों को CBI और इंस्पेक्टर बताकर लाखों की ठगी को अंजाम दे चुके। बस्ती में इन दिनों साइबर ठगों के नए नए हैरान करने वाले केस सामने आ रहे हैं, जिसमें साइबर ठग बच्चों को किडनैपिंग और रेप के आरोप का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का काम कर रहे हैं। बस्ती जिले में ऐसे ही दो हैरान ठगी के शिकार बने रामरक्षा की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने उन्हें धमकाया तो डर गया। इस दौरान उन्होंने उनके बेटे को रेप केस से बचाने के लिए कई बार अलग अलग 3 अकाउंट में नंबर देकर ऑनलाइन के जरिए 1,37,000 रुपए ठग लिए। खुद को क्राइम ब्रांच और CBI अधिकारी बताते हुए कहा कि तुम्हारे बेटे को नोएडा स्थित उसके कॉलेज से लाकर रेप कांड के मामले में बंद किया गया है। अगर अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हो तो रुपए की व्यवस्था करो। डर कर रामरक्षा ने नितेश कुमार व राजू अंसारी नाम से ठगों के फोन पे नंबर पर रुपए भेज दिया। पैसा देने के बाद अपने बेटे से बात करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हुआ। बाद में उनके बेटे ने कॉल बैक किया, तब जाकर ठगी का पता चला। दूसरा मामला रुधौली थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक पिता से उसके बेटे की किडनैपिंग की बात बताकर उनसे 1.5 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने हाई स्कूल के एक बच्चे को पिता को फोन किया और कहा आपका बच्चा किडनैप हो गया, और हुबहू उसकी आवाज सुनाकर पिता को धमकी दी, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे का मर्डर कर दिया जाएगा। इसके बाद घबराकर बच्चे के पिता ने साइबर ठग को आनन फानन में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब उन्होंने कुछ देर बाद अपने बेटे को फोन किया, उसने बताया वह बिल्कुल ठीक है और एग्जाम में बैठा है, जिसके कारण मोबाइल बंद था। जैसे उन्हें जानकारी हुई अब वो ठगी के शिकार हो गए हैं, तो उन्होंने स्थानीय थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। ASP OP सिंह ने बताया वर्तमान समय में अपराधियों के अपराध का तरीका बदल रहा है, जिसमें अब अपराधी फोन के माध्यम से भोले भाले लोगों को बरगला कर उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं, या यूं कहें लोगों को डरा कर और ब्लैकमेल कर रहे हैं। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे मोबाइल पर फोन आया था कि लड़का आपका रेप कांड में फंस गया है और उसके साथ 4 दोस्त हैं और थाने में लाकर बंद किए हैं और उसको इतना पैसा दीजिए तो छोड़ेंगे। CBI अधिकारी बन करके फोन किए थे, कहा गया कि वो लड़का आपका रेप कांड में 4 दोस्त मिल करके रेप किया है और थाने में लाकर बंद किए हैं और उसको मार रहे थे फर्जी तरीके से, मतलब आवाज भी सुना है आपके बच्चे की। हाँ, बच्चे का आवाज भी सुना रहे थे वो लोग। हाँ, जैसे रोने में, मतलब साधारण रोने में, वैसे रोने में कुछ। हाँ, पैसे का डिमांड किया और उसके बाद में कि हम छोड़ देंगे, FIR नहीं लिखेंगे। पैसा तो 2 लाख मांग रहे थे, लेकिन 1,37,000 दिए थे हम 2 बार में। कितने देर में आपने पैसा दे दिया? 1 घंटे के अंदर 1,37,000 दे दिए थे। जब उसने कहा कि अंतिम में कि मोबाइल दे दिए हैं, बच्चे को छोड़ रहे हैं, बात कर लीजिए, तो बात किए तो पता चला कि सब फरार। हाँ, पूछे उनसे तो पता चला कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ और सब फर्जी तरीके से ठग लिए। हाँ, FIR कल दर्ज हुआ है। जनपद बस्ती के भी प्रत्येक थाना क्षेत्रों में, जहाँ एक तरफ साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना है, वहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, इस जनपद में साइबर थाना भी कार्य कर रहा है। आपके माध्यम से मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे वो अभिभावक पढ़े लिखे हों, चाहे वो अभिभावक पढ़े लिखे उतना न हो, वो अपने परिवार के हर व्यक्तियों को साइबर अपराध के विषय में जागरूक करें, उनको बताएं कि जब भी कोई लाभ के संबंध में या किसी तरीके का थ्रेट के संबंध में उनको कोई सूचना मोबाइल फोन के माध्यम से, अन्य माध्यम से मिलता हो तो उसमें आकस्मिक रूप से भरोसा न करें, सक्षम स्तर से उसकी जानकारी करें। और ये जो अपराध करने में जो लोग एक्सपर्ट हो करके भोले भाले जनता को प्रभावित करके ये अपराध कारित कर रहे हैं, जो पुलिस का मोटिव है कि इनसे लोगों को बचाया जाए, उसमें पुलिस का सहयोग करें। मेरे साथ 17 तारीख को सचिव की DP लगा करके
फोन आया कि आपका बेटा 306 अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया है और आप जो है कुछ पैसे की व्यवस्था करके मेरे पास भेज दो, मैं आपके बेटे को छोड़ देता हूँ। फिर मैं बारी उसके उनके बताए हुए खाते नंबर पे मैं बारी बारी करके जो है 4,90,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया। जब फिर बेटे से बात हुई हमारी तो बेटा ने कहा पापा मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में हूँ। तब मैं बक्के गया, फिर खाता में फ्रीज करवाया, उसके बाद फिर मुकदमा करवाया जाके थाने पे, कप्तान साहब के साइबर ऑफिस में पुलिस द्वारा मतलब विवेचना चल रही है। कोर्ट में ये पैसा जो है 2.5 लाख रुपये बचा हुआ दोनों खाते में, चाहे 1,49,700 कुछ रुपये एक खाते में, 99,700 खाते में, उसी में कोर्ट साहब क्या मतलब।